कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो माति संगोस्तु विकर्मणि। प्रिय दर्शकों नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? इसलिए कि तुम्हारी मंजिल आ गई। इतनी जल्दी? Come on सुजाता, मैं जो हूं तुम्हारे साथ। चले ये तुम मुझे कहां ले आई? ये मेरी मंजिल नहीं। यही तुम्हारी मंजिल है, बिल्कुल सही जगह ले आई हूं। आखिरी मंजिल। क्या मतलब? यस मिस सुजाता, आखिरी मंजिल। सुरेश, बराबर लॉक किया? हाँ, ये ले चाबी। चल चल, तू चल, मैं आता हूँ। चल ठीक है। सब कुछ देख लिया ना अच्छी तरह से? हाँ साहब। हाँ अरे उस कमरे में लाइट जल रही है, तुमने बुझाई नहीं क्या? कौन है वहां? अरे कौन है वहां? अरे कौन है वहां? अरे कैसा काम करते तुम लोग, वहां कोई ना कोई तो है। साहब रात पाली में तो वहाँ कोई काम नहीं होता, फिर वहाँ कौन हो सकता है? ये वहाँ जाके देखो। हाँ यस सर। जाओ जल्दी। हाँ। चल जाओ। हाँ।
अंदर। कौन है? यहाँ कोई जरूर है। अरे पूरी फैक्ट्री तो देख ली, कोई नजर नहीं आया। अरे लेकिन ये मशीनें किसने चालू की? कोई भूत होगा। अरे भैया शिवशंकर, बड़ा क्यों रहा है? चल चल। मैंने कहा था ना, यहाँ कोई जरूर है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? साहब, साहब, अंदर मशीन अपने आप चल रही है। हमने बंद किया तो बंद हो गई, फिर अपने आप चलने लगे सर। और सर वहाँ एक साया भी है, हमने उसका पीछा किया तो न जाने वो कहीं अचानक गायब हो गया। हाँ साहब, हमने भी देखा। हाँ लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सारी की सारी मशीनें एक साथ चालू होती हैं, जबकि अंदर कोई नहीं है। आप बोल रहे कि अंदर साया भी है, मुझे लगता है ये बात मालिक को बतानी चाहिए। हाँ सर। हेलो। हाँ सेठ जी। हाँ भाई, मैं दीनदयाल गुप्ता बोल रहा हूँ। साहब इधर फैक्ट्री में अपने आप मशीनें चल रही हैं। क्या बक रहे हो, मशीनें चल रही हैं? अरे भाई जरूर किसी ने चलाया होगा। नहीं साहब, यहाँ सब देख लिया हमने, कोई दिखाई नहीं देता, मगर मशीनें चल रही हैं। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। क्या मुसीबत है। सलाम सर। चल रही है मशीन है? अभी तक तो आवाजें आ रही थी, आपके आते ही बंद हो गई। क्या बक रहे हो? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, हमने मशीनें चलने की आवाज सुनी तो अंदर जाकर देखा तो मशीनें चल रही हैं। हमने बंद किया तो मशीनें बंद हो गई। हमने एक साया भी देखा साहब, हमने उसका पीछा किया तो न जाने वो साया कहीं गायब हो गया। और तभी हमने आपको फोन किया सर। कहीं तुम लोगों ने पी तो नहीं रखी? नहीं सर, यहाँ पे कोई पीने वाला तो है नहीं, हम पूरे होशावास में सर। ठीक है, अब मुझे बेवजह तंग नहीं करना। जी सर। चलो समझ में नहीं आता है सब क्या था। हाँ मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा दोबारा हुआ तो हम लोग की नौकरी चली जाएगी। अगर ऐसा दोबारा हुआ
तो हम साहब को खबर नहीं करेंगे। अरे मुझे तो अब भी लगता है अंदर कोई है। साहब, साहब देखिए, क्या बात है सर? मशीनें चालू नहीं हो रही है, अपने मैकेनिक देख रहे हैं मशीनों को। मशीनें नहीं चल रही? नमस्ते साहब। क्या बात है फोरमैन, क्या हो रहा है सब? सर कोई भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही सर। वैसे प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम ही तो समझ नहीं आ रहा है। हमने मशीनों को चेक किया है लेकिन मशीनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मशीनें महीनों से नहीं चली हैं। लेकिन सर कल तो सब ठीक ठाक था। सर आई थिंक इट्स अ मेजर ब्रेकडाउन सर। मशीनें ठीक होने में हफ्तों लग सकते हैं सर। क्या कह रहे हो तुम? Go and check the machines again. जाओ। Okay sir. सर, वैसे कल सब ठीक चल रहा था। मशीनें अपने आप चल रही थी और सर ने एक साया भी देखा। सॉरी सर। साया? ये तो कमाल हो गया साहब कि रात में मशीनें चली और दिन में सारी मशीनें ठप हो गई। मुझे तो लगता है साहब रात को जो हमने साया देखा ना, ये सब उसी का कमाल है। अमर बेटा। हाँ बेटा, तुम फौरन घर पहुंच जाओ। हाँ बेटा, यहां कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ तुम घर आओगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा बेटा। हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी बेटा। डैड, जीते रहो बेटा। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। डैड, मुझे गए हुए एक हफ्ता नहीं हुआ, यहाँ ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे फौरन वापस बुला लिया? बेटा यहाँ फैक्ट्री में कुछ अजीब सा हो रहा है। दिन भर मशीनें चलती नहीं है और रात को अचानक अपने आप चलना शुरू कर देती है। क्या? हाँ बेटा, मैकेनिक्स का भी यही कहना है, फोरमैन भी परेशान है कि यह कैसा ब्रेकडाउन है कि मशीनें दिन भर बंद रहती हैं और रात को अपने आप चलना शुरू कर देती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है डैड? आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है बेटा, ये मुमकिन है और ये सब कुछ हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। डैड आपका कहने का मतलब है कि रात भर फैक्ट्री में भूत मशीनों को चलाता है? बेटा मैं नहीं जानता कि भूत चला रहा है या आत्मा चला रही है, लेकिन बेटा सिक्योरिटी ने कहा है कि वहां अक्सर कुछ साया नजर आता है। साया? हाँ बेटा साया, जो कभी नजर आता है कभी गायब हो जाता है, और उनका कहना है कि वो साया किसी औरत का है। मैं समझ गया डैड,
ये चाल जरूर हमारे किसी रावल की है। मैं आज रात को खुद जाके वहां देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। यादव फैक्ट्री की चाबियां मुझे दो। लेकिन साहब जी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है यादव, फैक्ट्री की चाबियां मुझे दो। जी सर। सर जी, ये मेन रोड की चाबी है। नहीं यादव, तुम लोगों में से कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन सर जी, हाँ, जब तक मैं ना बुलाऊं कोई अंदर मत आना। ठीक है सर। साहब जी, हमने मशीनों की चलने की आवाज सुनी है। मना किया था मैंने तुम लोगों को अंदर आने के लिए, हाथ भी दी मेरे, तुम लोगों के आने की वजह से सब बिगड़ गया। साहब जी, हम लोग सिक्योरिटी वाले हैं, कुछ होता आपको तो जिम्मेदारी हमारी थी। ओ जा शट अप, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। तुम अब जाओ यहां से। आउट यू गो। ओके सर, चलो भाई। Check! बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर हमारा दुश्मन है कौन और हमारी फैक्ट्री में उसके घुसने की हिम्मत कैसे हुई? डार्ड हमारा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है। लड़की? यस डार्ड। डार्ड जरा सोचिए, एक लड़की हमारी फैक्ट्री के अंदर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को धोखा देकर अंदर घुसती है और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। डार्ड, दैट प्रूव्स दैट शी इज अ प्रोफेशनल। वो बहुत ही शातिर लड़की है, शी इज अ वेरी वेरी क्लेवर गर्ल। तो बेटा, क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें? नो डार्ड, डार्ड अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो लड़की हमारे हाथ कभी नहीं आएगी। बैट, आप ये केस मुझे ही हैंडल करने दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, गो अहेड। थैंक यू डैड, ऑल द बेस्ट। Thank you.
यादव, आज तुम लोगों में से कोई अंदर नहीं आएगा। मेरे फैक्ट्री के अंदर जाते ही तुम बाहर से शटर बंद कर दोगे, ताकि ना कोई अंदर से बाहर आ सके और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सके, समझे? लेकिन सर, जितना कहा जाए उतना करो। ओके, शटर नीचे गिराओ। कोशिश मत करना, तुम मेरे रिवॉल्वर की रेंज में हो। अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। टर्न, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं अमर साहब। तो इसका मतलब यह हुआ, मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था सब सच था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ देखने, जानने और सुनने के बावजूद मेरा दिल यही कह रहा था कि सुजाता ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे डैड की नहीं बल्कि मिल मजदूरों के भी दुश्मन हो। तुम इस फैक्ट्री को बंद करवाना चाहती हो, मेरे डैड को ब्लैकमेल करना चाहती हो। तुमने मेरे डैड से पैसा लेकर मिल मजदूरों को धोखा दिया, तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया है। मुझे तो करता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। तो रुक क्यों गए? चलाओ गोली। मार दूंगा मैं तुम्हें गोली। चलाओ गोली अमर। नहीं, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते,
लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मैं गुनहगार हूं, धोखेबाज हूं, तो ये सजा मैं अपने आप को खुद दूंगी। देखना चाहते हो तुम? अमर, अमर, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, न मजदूरों के साथ, न तुम्हारे पिताजी के साथ, और नहीं तुम्हारे साथ। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं मर चुकी हूं अमर। आत्मा को न आग जला सकती है, न इसे पानी डुबो सकता है, न ही कोई हथियार इसे मार सकता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे तो कुछ और ही बताया गया था। जो तुम्हें बताया गया था वो सब झूठ था। अगर वो झूठ था तो सच क्या है? Tell me, क्या है सच? यही तुम्हें बताने आई हूं। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी। मजदूर एकता, मजदूर एकता, सुजाता मिश्रा, सुजाता मिश्रा। मैं मजदूरों की मांग के लिए आखिरी बार गुप्ता साहब से बात करने जा रही हूँ। अगर इस बात का सही नतीजा निकला तो हम हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो हड़ताल के सिवा और कोई रास्ता नहीं। सुजाता बेटी, अब जो कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब तुम पर हम लोगों को पूरा पूरा विश्वास है। सुजाता मिश्रा जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता, मजदूर एकता, सुजाता मिश्रा, सुजाता मिश्रा, मजदूर एकता, मजदूर एकता। तुम मजदूरों का दिमाग खराब कर रही हो, उन्हें मैनेजमेंट के खिलाफ भड़का रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं सिर्फ मजदूरों की भलाई चाहती हूँ। मजदूरों की भलाई, यही नारे लगाते लगाते तुम्हारा बाप श्यामलाल भी इस दुनिया से रुखसत हो गया था। क्या देकर गया वो तुम्हें? उन्होंने मुझे तालीम दी और इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर मजदूरों के हित की बात कर सकती हूँ। मजदूरों के हित की बात? सुजाता, तुम अपने हित की बात करो। तुम मजदूरों की नेता ही नहीं, हमारी इंप्लॉय भी हो। तुम मेहनती हो, ईमानदार। मैं चाहता हूं तुम्हारी तरक्की हो, तुम्हारी तनख्वाह बढ़े और तुम्हें वो सारी सहूलतें मुहैया हो जो एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। ऐसा चाहिए तुम्हें? ये लो। और चाहिए? और लो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। आप तो जानते हैं कि मैं श्यामलाल की बेटी हूं। मैंने अपने पिता से उसूलों पर जान देना सीखा है, ना कि अपने हित के लिए उसूलों को बेचना। ये रुपए आपको ही मुबारक हो। मैं जा रही हूं। आपने हमारी जायज मांगे नहीं मानी, इसलिए मजदूर आने वाली पहली तारीख से हड़ताल करेंगे।